Hello guys, this is Manish Singh. Hey guys, this is Amit Giri. Namaste guys, this is Mitesh Singh. And welcome back to our channel Krishna Juice. So guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing extremely well. एकदम बढ़िया बढ़िया. इसकी तरह फील मत कीजिएगा. बिल्कुल ये बीमार है, आप सबको बीमार ना रहेगा. अब मैं दुआ करूंगा आप में से. तो guys, हमने पहले वीडियो की थी करतारपुर के बारे में कृष्णा भैया के साथ. उसमें हमने देखा था कि पहले कितने अच्छे से लोग रहते थे. तो हमें एक वीडियो मिली हमारे कि एक सब्सक्राइबर्स ने हमें सजेस्ट की थी, जो कि दो इंडियन, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी फ्रेंड्स आप 72 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं. तो जो वीडियो है उसका टाइटल कुछ इस तरह है, सानू आ मिले यार प्यारिया प्यारिया व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तानी फ्रेंड्स मीट आफ्टर 72 इयर्स. इतने सालों बाद मिले. मतलब कोई हम अगर अपने जो मेरा दोस्त है जो कि हड्डी बड्डी कह सकते हो उसको बचपन का फ्रेंड, मैं उससे अगर एक साल बाद भी मिलता हूँ तो जो खुशी होती है मेरे को. और ये 72 इनके आंखों में मतलब आंसू आ गए होंगे लिटरली. 72 इयर्स के बाद मिल रहे हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा होता है ना. मतलब आधी जिंदगी तो चली गई ना उनको. हाँ। ऐसी होगी जब वो बिछड़े होंगे तो 13-14 साल के होंगे या फिर थोड़े से बड़े. हाँ, तो अब हम गाइस वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट. प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट. मिट्टी दा पुतला मिट्टी नु रोंदा घूम गए करां दे बार नी. दियां कोई चिड़ियां नू आखो उड़ के ही आ जो एक बार नहीं. ओ कोई हल नहीं ताया, कोई हल नहीं. कोई ट्रेलिंग की आंखों से आंसू आ रहे. कोई नहीं, कोई कोई आमेगा तू. माँ बाप की धरती नाल बड़ा प्यार है. तेनू असी लेके कोई गल नहीं, सारे नू लेके जावे जिन्ने तुसी उधर ले है. ओ कोई रंडी बुढ़ी भी है उत्थे? खावांगे ओ रंडी बुढ़ी कोई. हां सारियां बुढ़ियां वाड़ियां दिखा देंगे. डांडां दे नक्शे तां उतरे पए ने ओ पिपलां दी छावे. ओ दिया दे मेले ये लाहौर पंजाब में रहते हैं और वो मंगा दे टुकड़े पए ने. ए तूड़ा दी कलगी नु मथे ते लाके ला दे मां सिर वाला पार नी. मिट्टी दा पुतला मिट्टी नु रोंदा घूम गए करां दे बारी. आटे दियां कोई चिड़ियां नु आखो उड़ के ही आजो. दिन पूरे का पूरा पिंड इकट्ठा हो जूगा. मैं फिर चलो जेडे अपने अपने ने अंग्रेज है जिन्हें ताया जब खाली दे परिवार है ये अपन मिलूगा सारी पर उठो नहीं. लेकिन मुझे नु ये लगता है इतने सारी परवेज ने इतने सारे परवेज ने सारे ताए ने हुन कोई और नहीं. बहुत ज्यादा मन चंगा लग रहा है. बहुत प्यार बहुत मोहब्बत बहुत ड्यू रिस्पेक्ट मतलब इतना रिगार्ड है भी मैं अल्लाह करे हालात बेहतर होन. इंशाल्लाह असि भी कोई कोशिश करांगे तुहाडे कोल आउण दी.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ ਮਲੇਰਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰਾਈਫਲ ਉਧਰੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੂੰਹ ਬਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਵਿਆਂ ਦੋਜਖ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵਸੀ ਮੇਰੀ ਬਲਦੀ ਬਲਾ ਬੁਝਾਵਸੀ ਅਨਾਇਤ ਦਮ ਦਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਤੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਜੀਦ ਜੀ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਤੰਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜੀਦ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਫਰੀਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੋ ਗਾਇਸ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਥੀ ਲਾਸਟ ਮੇ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਕੋ ਸਮਝਤਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਤੋ ਲੋਕ ਆਫਟਰ 70 ਇਅਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ ਲੋਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਕੇ ਜੋ ਥੇ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਵੋ ਲੋਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਯੇ ਲੋ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਕੈਸੇ ਬਨੇ ਤੋ ਉਸਮੇ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਮੇ ਡੂਬ ਰਹਾ ਥਾ ਅਤੇ ਇਨ ਪੁਨੇ ਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋ ਵੋ ਕੂਦੇ ਉਸਮੇ ਔਰ ਬਚਾਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਨਕੀ ਦੋਸਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਗਾਈਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੋ ਕਾ ਹੀ ਹੋ ਹੁਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਅਲਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਆਧੇ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਆਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੋ ਉਨਮੇ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਨ ਲੋਗੋ ਕਾ ਹੀ ਹੁਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਜੋ ਨੌਰਥਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨੌਰਥ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੌਰਥਨ ਸਾਈਡ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਵੋ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇਹ ਪਰ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਜਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਥੇ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਲੋਗ ਐਸੇ ਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਆ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜੈਸੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਸਾਮ ਸਾਈਡ ਵਹਾਂ ਸਾਈਡ ਉਨਕੋ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਹੁਆ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਇਸਮੇ ਲਾਸਟ ਮੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਰੋਟੇ ਰੋਟੇ ਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੇ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਐਸੇ ਮਾਰਾ ਵਾਰਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ
मेरे को पता है कि पंजाब के लोग या फिर पाकिस्तान के लोग पंजाबी होगी और सिखों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने उससे पहले एक और वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर वो सिख पाजी वहाँ से लाहौर में बैठ के लाइव वीडियो बनाया था उन्होंने 2-4 मिनट का। उसमें वो 2-4 मिनट में सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की थी और उससे उन्होंने बताया था कि वो सिख लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो ऐसा लगता नहीं हमें कि ऐसा कुछ हुआ होगा और मैं तो चाहता हूँ कि ये सब मिल जाए और अपने सबको अपने अपने दोस्त अपना फैमिली सब कुछ से मिल जाए। और पता पंजाब का मेनलैंड है ना वो एक्चुअली में पाकिस्तान साइड ज्यादा है तो जो पाकिस्तानियों का दिल है इंडियन पंजाब का दिल है ना वहाँ पर दिल करता है जो बूढ़े लोग है बुजुर्ग लोग है ना। तो हमने जो पिछली वीडियो करतारपुर वाली देखी थी उसमें भी तुम लोगों ने ये बोला था कि आधा पंजाब उधर रह गया आधा इधर रह गया और फिर उसमें तो काफी डिफरेंसेस आ गए। और वो करतारपुर वाली वीडियो में हमें एक और चीज देखने को मिली थी कि वो जो जिस बंदे से लास्ट में बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि मेरे जो दादाजी थे मेरा चंडीगढ़ में घर था चंडीगढ़ में घर था मैं वहां पर पर्टिकुलर दादाजी वहीं रहते थे फिर उसके बाद ये सब की इससे सब चीजों की वजह से नुकसान बहुत हुआ पार्टीशन से। वैसे फील करके देखो अगर वो कितने सालों बाद मिले हम अभी हम इतने पक्के भी दोस्त नहीं हुए फिर भी अगर हम 2-3 बाद मिलते हैं ना फिर ऐसा लगता है कितनी खुशी होती है हम मिल रहे पर उनको कितनी हो रही है सोचो कितने पक्के दोस्त। और ये भी की सिर्फ एक दोस्त से मिलने आया वो पूरा गांव मिलने आया गांव में देखा होगा तो हाँ उन लोगों के चेहरे पे भी खुशी थी कोई ऐसी दोस्ती के भी निभा रहा है जो 72 इयर्स से चल रही है और वो लोग का मन में कहीं ना कहीं 72 इयर्स से कोई कांटेक्ट नहीं है ना फोन नंबर है ना कुछ है क्योंकि उस टाइम ना फोन होते थे ना कुछ होते थे उसके बाद कैसे कॉन्टेक्ट आएंगे। ऐसा एक पता गूगल का एड भी था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि कुछ फोन वोन की लैंडलाइन के थ्रू दो पुराने दोस्त थे एक पंजाब में था और एक लाहौर में लाहौर वाले क्या मिठाई की शॉप थी लाहौर वाले ने जो मिठाई की शॉप थी ना वहाँ पर से उनकी जो बेटी थी ना इंडिया में पंजाब में उन्होंने क्या किया पहले पता किया उसको किससे सुना रहे थे अपने दादाजी से तो फिर उनके पहले वो मिठाई की दुकान ढूंढी फिर वो मिठाई की दुकान बहुत बड़ी मिठाई की दुकान बन चुकी थी तो उनके पोते को कॉल किया एड इतना बड़ा नहीं होता था पता इसी टाइप का इस तरीके से मिले। हाँ तो गाइस यही थी वीडियो हेलो आई नो आप लोग यहाँ तक नहीं देख रहे हो और अगर देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर इससे रिलेटेड या फिर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हम आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है शिल्पा जी उसके नाम से आप उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं उसके अंदर भी हम लोग डेली इंटरेस्टिंग और एनालिटिक वीडियोस लाते रहते हैं। तो गाइस यहीं आपसे हम आपसे विदा लेते हैं आशा करते हैं आप अपना और अपने देश का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस बाय। We'll be right back.